फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माई चैनल। फ्रेंड्स, ये मैं लेके आई हूँ, देखिए ये फ्लावर्स हैं और ये वॉल विंडो हैंगिंग आप बना सकते हो, अपने पूजा स्थान को डेकोरेट कर सकते हो, फेस्टिवल्स में डेकोरेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हो। इन्हें मैंने क्रोशिया हुक से बनाया है और मैंने यहाँ पर फ्लावर्स 3 कलर के बनाए हैं, ब्लू, रेड और येलो, और यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ किया है, और इसको मैंने जो ज्वाइन किया है यहाँ पर मैंने वाइट कलर लगाया। आप यहाँ पर भी ग्रीन कलर लगा सकते हो, और फ्लावर्स के लिए आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो। जो भी घर में थोड़ी बहुत वूल पड़ी होती है आप उसका यूज़ करके डिफरेंट कलर से इसे बना सकते हो। और फ्रेंड, इसे मैंने क्रोशिया हुक से बनाया है और यहाँ पर ये जो फ्लावर्स हैं ये मैंने 12 नंबर क्रोशिया हुक से बनाया है, और ये जो वाइट कलर का मैंने यूज़ किया है ये सारा मैंने 10 नंबर क्रोशिया हुक से बनाया है। ये मैंने इसलिए 12 नंबर क्रोशिया लिया था क्योंकि वूल थोड़ी मोटी थी, तो मैं इसको थिक बनाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने 12 नंबर यूज़ किया है। तो चलिए बनाते हैं इसे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये कलर यूज़ करेंगे, ये 3 कलर्स के हम फ्लावर्स बनाएंगे, और ये रेड कलर और येलो कलर और ब्लू कलर के फ्लावर्स बनाएंगे, और इसकी जो स्टार्टिंग है वो सारे फ्लावर्स की इस कलर से करेंगे और जॉइनिंग इस कलर से करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके लिए मैं क्रोशिया हुक यूज़ करूँगी, देखिए ये 10 नंबर और 12 नंबर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, क्रोशिया हुक आप अपने थ्रेड के वूल के अकॉर्डिंग ही लोगे, तो चलिए बनाते हैं इसे। इस फ्लावर को स्टार्ट करने के लिए ये कलर लेंगे, ये सभी फ्लावर्स में हमने स्टार्टिंग इसी कलर से करनी है, ग्रीन कलर से। तो पहले हम यहाँ पर इस तरह से क्रॉस बनाएंगे और ये मैजिक रिंग बनाएंगे, थ्री चेन, और अब इसमें 14 डबल क्रोशिया, ये इसको भी काउंट करेंगे तो अब हमारे 2 हो गए। 3 चेन को भी हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, अब 3, 4, तो इस तरह हमने 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब ये 14 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने ये चेन की थी 1, 2, 3, तो थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से जॉइन करेंगे और इसको अच्छे से टाइट करेंगे, और यहाँ पर हम इस थ्रेड को कट कर देंगे। ये इस तरह से बन गया है, और अब हमने ये कलर लगाना है। तो इस कलर से पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे, अब हम इसे अटैच करेंगे, इसमें कहीं भी 2 डबल क्रोशिया के बीच में हम इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसे। अब 3 चेन करेंगे, 1, 2, 3, और उसके बाद नेक्स्ट डबल क्रोशिए, 2 डबल क्रोशिए के बीच में हमने डबल क्रोशिया बनाना, देखिए इस तरह से, चेन में नहीं बनाना, डबल क्रोशिए के बीच में डबल क्रोशिया बनाना है। अगेन नेक्स्ट सेम प्रोसेस हमने ये रिपीट करना है, 1, 1 डबल क्रोशिए बिटवीन 2 डबल क्रोशिए, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे पास 14 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, ये राउंड 2 है। अब देखिए सेकंड राउंड के एंड में है, तो यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया और बनाना है। अब हमारे पास देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और ये 3 चेन 14, 14 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद ये हमारे सभी स्पेसेस में बन गए। अब हमने यहाँ पर थर्ड चेन में, ये थर्ड चेन है, इसमें हमने
इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। अब हमने एक स्लिप स्टिच बनाना है इस स्पेस में जाने के लिए, इस तरह से। अब यहाँ से हमने थर्ड राउंड स्टार्ट करना है, थ्री चेन। अब सभी ये स्पेस जो है, इन स्पेसेस में हमने वन वन डबल क्रोशिया बनाना है, मीन्स सेम एज राउंड टू, इस तरह से। तो इस राउंड में भी हमारे पास 14 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। देखिए इस तरह से बनेंगे। अब हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 14 डबल क्रोशिया बन गए। अब हमने जो पहले थ्री चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब अगेन एक स्लिप स्टिच हम इस स्पेस में बनाएंगे, इस तरह से। अब हमारा राउंड फोर, थ्री चेन और वन डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस। अब हमने सभी स्पेसेस में टू टू डबल क्रोशिया बनाना है, वन एंड टू। देखिए एक ही स्पेस में टू डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये रो हम इसी तरह ये राउंड बनाएंगे। और अब हमारे पास 14 थी, तो अब इस राउंड में हमारे पास 28 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये टू टू बनाते हुए, तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये सब में टू टू डबल क्रोशिया बनाए। अब हमारे पास 28 डबल क्रोशिया है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने बना लिए और लास्ट में, और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर इस तरह से ये वाले टू स्किप करेंगे और यहाँ पर डालेंगे क्रोशिया हुक देखिए, और फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी स्पेस में, वन टू थ्री फोर फाइव। अब देखिए एक ही स्पेस में फाइव डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट वन और टू स्किप करेंगे, नेक्स्ट इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हमने ये टू स्किप करने हैं, नेक्स्ट में ऐसे फाइव डबल क्रोशिया है। ये हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा, फाइव डबल क्रोशिया इन सेम स्पेस, स्किप टू, वन स्लिप स्टिच, फिर स्किप टू, फिर फाइव डबल क्रोशिया। तो यही हम रिपीट करते जाएंगे। देखिए ये फाइव डबल क्रोशिया हो गए। अब स्किप टू और इसके बाद हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाना है, अगेन स्किप टू, फाइव डबल क्रोशिया। तो इसी तरह हम ये अपना राउंड कंप्लीट करेंगे और ये हमारा राउंड फाइव है। फ्रेंड देखिए हम फिफ्थ राउंड जो है लास्ट में है, फिफ्थ राउंड की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे जो पेटल्स हैं ये बनी हैं। और अब देखिए यहाँ पर हमने ये फाइव डबल क्रोशिया बनाए, उसके बाद यहाँ पर फाइव डबल क्रोशिया बनाए थे हमने, और यहाँ एक स्पेस है, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से। और आगे ये फब देखिए यहाँ से सेट हो गया हमारा। और अब हम ये थ्रेड कट कर देंगे और ये हमारा फ्लावर बन कर के रेडी हो गया। तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये मैंने इस तरह से बना लिया है।
अब आगे करने के लिए बनाने के लिए ये मैं ले रही हूँ वाइट वूल, और इसके लिए क्रोशिया नंबर जो है ये 10 नंबर क्रोशिया हुक लेंगे, और ये हमने थ्रेड नीडल में डाल लिया है, ये हम ऐसे ही रहने देंगे। इसका एक एंड हमने डाल लिया, हम थ्रेड कट नहीं करेंगे। अब आगे देखिए, अब इस तरह से यहाँ पर ऐसे हम डालेंगे, उसके बाद कोई भी कलर हम इस तरह से एक एक डालते जाएंगे इस तरह से, और जितनी भी हम बड़ी बनाने चाहते हैं उतने ही हमने ये फ्लावर्स बनाने हैं। तो इस तरह से हम सारे ये डाल लेंगे। अब इसके बाद रेड डाल लेंगे। अब ये सारे हम इस तरह से डाल लेंगे। अब हम ये इस तरह से स्लिप नॉट बनाएंगे, चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 3 स्किप करेंगे, और फोर्थ चेन जो फर्स्ट चेन हमने बनाई थी इसमें इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे, ये लूप लाएंगे, फिर थ्रेड रैप करेंगे, अगेन उसी फर्स्ट चेन में से लूप लाएंगे, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ। तो ये हमारे फोर टाइम हमने ये लूप बनाए। इसके बाद हमने इस थ्रेड को यहाँ से हल्का सा पकड़ेंगे और इस तरह से लाएंगे, इसे छोड़ेंगे और यहाँ से इस तरह से लॉक करेंगे। ये हमारा है पफ स्टिच। इसके बाद इसको थोड़ा लूज करने के बाद इस फ्लावर को हम इस तरह से लाएंगे और यहाँ से हमने इसको इस तरह से क्रोशिया हुक में डाल करके इधर लेके आएंगे हम इस तरह से, और ये हमारा इस तरह से अटैच हो जाएगा साथ में फिक्स। अगेन हम फोर चेन करेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर 1 2 3 स्किप करके फोर्थ चेन में हमने इस तरह से फोर लूप बनाने हैं, अगेन पफ स्टिच, 1 2 3 and 4। अब यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरह से बनाएंगे। अब हम 1 2 3 4 5 चेन करेंगे। इसके बाद हमने 5 चेन के बाद 4 चेन बनानी है, और 1 2 3 4। अब ये जो हमने 4 चेन बनाई 3 स्किप करनी है, और इस फोर्थ में हमने फिर पफ स्टिच बनाना है, 1 2 3 and 4, और इस तरह से फिर हम ये इस तरह से छोड़ेंगे और अब हम ये नेक्स्ट वाला लेके आएंगे और इसके हम इधर इस तरह से इसको निकालेंगे, ये वाला जो लूप है इसको इस तरह से लाएंगे, और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। अब ये इस तरह से बनेगा, और फ्रेंड्स अगर चाहो तो आप यहाँ पर बीड्स भी डाल सकते हो। अगेन हम यहाँ पर 4 चेन करेंगे, 1 2 3 4, और ये 3 स्किप करके फोर्थ चेन में जो हमने इसके ऊपर फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 and 4। इसके बाद अगेन हम इसको इस तरह से बना लेंगे और 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे।
इसके बाद हम 4 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4। अब ये 3 स्किप करेंगे और 4th चेन में हम इस तरह से पफ स्टिच बनाएंगे। ये 4 स्टिच हो गए। अब इस तो इस तरह से करेंगे और इसको लूज करेंगे, फिर हम इसको इस तरह से कर देंगे और इसी तरह ये बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। और ये कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से ये बना है। और लास्ट में भी फ्रेंड्स मैंने इसी तरह बना दिया जैसे हमने यहाँ बनाते आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसे इसको डबल कर दिया कि आप अगर कहीं लटकाना चाहते हो, कहीं टांगना चाहते हो तो इसका यूज़ भी कर सकते हो, नहीं तो इसे यहाँ पर अपनी मर्जी से बना सकते हो। आपने इसका यूज़ कैसे करना है तो चलिए बनाइए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं कि नहीं वीडियो के साथ।